Dear students, so let's we will continue from Bohr's order, Bohr's atomic model. In last video lecture, we concluded with radius of nth orbit. Okay, this was the formula. Today we will discuss another mathematical aspect of the Bohr's theory. So what we can do using Bohr's atomic theory, we can also calculate energy of electron in any orbit. Okay, so if it is in nth orbit, you can place for first orbit, you can say 1, then 2, 3, 4 and so on. Okay, so you can calculate it for any orbit. So En is minus 2.18 into 10 to the power minus 18 1 by n square, and mind it, there is a minus sign, negative. Okay, and why this minus charge? Because work has to be done, you know, to take the electron away. You will learn about this potential energy in physics in details. Okay, so there's a minus charge, minus here, that is negative 2.18 10 to the minus 18 1 by n square. This is formula of energy of any orbit. Okay, any orbit, you place n equal to 1, 2, 3. Okay, and n is called principal quantum number. So you just change the value of principal quantum number and you can calculate energy of different Bohr's orbit. Okay, now since we know energy of any orbit, so suppose randomly I take two orbits. Okay, let me draw it in detail. Just keep in mind, just remember this formula, I will use it. What we will do now, we will try to explain explanation of hydrogen spectrum. Okay, so we will try to explain hydrogen spectrum. Okay, so see, suppose we have orbits. Okay, and suppose this is nucleus. Okay, this is n equal to 1, 2, 3, 4, 5. Since hydrogen has only one electron, it will stay here in the first orbit. Now, when we'll supply energy, suppose electron jumps to here. Okay, हमने एनर्जी बाहर से डाल दिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पहले ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में चला गया। क्योंकि मैंने बोला ही था, एनर्जी आप बाहर से सप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाएगा। एनर्जी रिलीज होगा तो वो फिर से नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा। तो ये एनर्जी हमने बाहर से सप्लाई किया, वो ऊपर चला गया, लेकिन वो एनर्जी उसका खुद का तो नहीं है, वो एनर्जी को रिलीज करेगा एक ना एक टाइम पे। एनर्जी को रिलीज करेगा तो क्या हो सकता है, क्या करेगा, वापस आएगा, वापस जब लौट के आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। कितना एनर्जी रिलीज करेगा, कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो E5 का जितना एनर्जी है उसमें से हम E1 का एनर्जी अगर माइनस कर दें, क्योंकि सपोज करो यहाँ एनर्जी 5 जूल है और यहाँ पे एनर्जी 25 जूल है। ठीक है, यहाँ 25 जूल है और सपोज यहाँ 5 जूल है। ओके, तो 25 से 5 पे आने के लिए क्या करना होगा, 20 लूज करना होगा ना, 25 माइनस 5 20 लूज करना होगा, वही कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे अगर एनर्जी सपोज करो E5 है और यहाँ पे अगर सपोज एनर्जी E1 है, तो कितना एनर्जी रिलीज करना होगा, E5 माइनस E1। ओके, इतना एनर्जी रिलीज करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है
कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी तो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो ये एनर्जी जो रिलीज होगा, ये एनर्जी जाएगा कहाँ कहाँ जाएगा, कैसे निकलेगा, ये एटॉम के बाहर निकलेगा कैसे? तो ऑब्वियसली हमें पता है कि एनर्जी जो रिलीज या एब्जॉर्ब होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वापस आएगा बाहर, एक वेव के फॉर्म में बाहर आएगा। और क्वांटम थ्योरी जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी था, वहां से हमें पता है कि ई क्या होता है, एच न्यू होता है, यानी किसी भी एनर्जी के साथ में एक वेव कैरेक्टर रिलेटेड है। यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली इस एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ। तो इससे क्या होगा, हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि जो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो बाहर आएगा उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, यह हम चेंज इन एनर्जी यानी कितना एनर्जी रिलीज हुआ है उससे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां डायरेक्ट आ जाए, हो सकता है कि वो पहले यहां से यहां आए, पहले 5 से 4 आए और फिर 4 से 1 पे आए, हो सकता है 3 से भाया 3 आए, मतलब 5 से पहले 3, 3 से फिर 1, या फिर हो सकता है कि 2 से 1। ठीक है, तो आप देखो कि इस तरीके का कोई भी ट्रांजिशन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट। अच्छे से ध्यान देके देखो कि इतना ट्रांजिशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा बहुत सारा ट्रांजिशन पॉसिबल है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो कि इलेक्ट्रॉन जब 5 से 1 पे आया तो मान लेता हूं मैं ये एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, E5 - E1, यही इलेक्ट्रॉन जब E4 से E1 पे आएगा तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, E4 - E1 होगा जब 4 से 1 पे आएगा। अब एक बात बताओ, E4 - E1 और E5 - E1 सेम हो सकता है क्या? सेम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि E4 का एनर्जी अलग है, E5 का एनर्जी अलग है। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको दिखाई देगा कि किसी भी ट्रांजिशन का जो एनर्जी डिफरेंस है वो सेम नहीं है, अलग अलग है। E5 से E1 आने पे जो होगा, E5 से E2 पे आने पे सेम नहीं होगा, E4 से E1 पे आने में सेम नहीं होगा, E3 से E1 में आने से सेम नहीं होगा, E4 से E2 में आने से सेम नहीं होगा। यानी सारा एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सारा एनर्जी डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। सारा डिफरेंस क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। अगर एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग आएगा तो भैया फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग आएगा, और अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगा तो जो लाइट बाहर निकलेगा उसका कलर भी अलग अलग होगा, है ना, उसका कलर भी अलग अलग होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है, अब ऑर्बिट्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है। ठीक है, तो मान लो मैं इसको देखता हूँ, E5 से E2 पे आया तो एक कोई मान लो वायलेट हुआ, वायलेट कलर का लाइट बना, है ना, वायलेट कलर का लाइट बना। अब E3 से E2 पे आएगा तो एनर्जी चेंज हो गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया तो कलर भी चेंज हो जाएगा। अब की बार वो वायलेट तो नहीं होगा, सपोज ब्लू होगा। अब बीच में ये गैप भी है ना, तो इतना गैप ब्लू एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ लाइन स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट।
okay. So because of this quantization of orbit, these lines are produced, distinct lines, okay. This is how hydrogen spectrum is formed. So, and this is how Bohr was able to explain hydrogen spectrum. अब इसमें मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, बड़ा बड़े ध्यान से देखना, ठीक है. फिलहाल मैं मैथमेटिकल चीज़ पे जाने से पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ बता देता हूँ. देखो, आप देख रहे हो ना, E5 से E1 पे आ रहा है, मतलब N5 से 1 आ रहा है, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1. इसका मतलब क्या होता है कि N इक्वल टू एनीथिंग, मतलब किसी भी ऑर्बिट से अगर N इक्वल टू 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आप 1 पे लेके आओगे, ठीक है, तो ऐसा देखो बहुत सारा लाइन प्रोड्यूस हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसा बहुत सारा हो सकता है ना. तो इन सारा, ये सारा जो लाइन है ये कैसा लाइन्स है, तो किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 1 पे आ रहा है, n इक्वल टू 1 पे. इन सारे लाइन्स को कलेक्ट करके हम एक सीरीज बनाते हैं जिसे बोलते हैं लीमन सीरीज. यानी n इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 1 पे आता है इलेक्ट्रॉन जंप करके, तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा, बहुत सारा लाइंस जो बनेगा, उसको कलेक्ट करके हम क्या बोलेंगे, लीमन सीरीज. इसी तरीके से n इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट से अगर n इक्वल टू 2 पे आएगा तो हम उसे बोलेंगे बामर सीरीज. n इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 3 पे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, पास्चेन सीरीज. n इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट से n इक्वल टू 4 पे आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रैकेट सीरीज. फ्रॉम एनीथिंग टू 5 वी विल कॉल इट फुंड सीरीज. ओके, पी इज साइलेंट, फुंड सीरीज. सो दीज आर डिफरेंट सीरीज, कलेक्शन ऑफ लाइन्स, कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. सो कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स हैव बीन नेम्ड लीमन, बामर, पास्चन, ब्रेकेट, फुंड. एंड सी, आई विल डिफाइन वन मोर थिंग. सो दिस इज लीमन सीरीज बिकॉज दिस इज एन इक्वल टू 1. ओके, सो दिस इज लीमन. लीमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम. This is in the ultraviolet range, okay? Balmer series is the only visible range. That means Balmer series lies in the visible range, and above Balmer, all other series are infrared. That means Pascal, bracket, Fund, you take any spectral series, those are all infrared in nature. So Lehmann is ultraviolet, then Balmer series is visible, we can see visible series, and all other series are infrared. Okay, I hope you understand that. Now we will go to the numerical, mathematical analysis. Okay? So what we will do, we will try to establish a formula for this spectrum. Okay? Suppose an electron starts from just let me refill the ink. So what we will do, we will try to make a formula. We will start from any arbitrary orbit N1 and we will move back to, we will start from N2 and we will move back to N1, okay? And we will see
that whether we get a formula or not, okay, that we can directly apply in a numerical problem. Okay, we will try to do that. Okay, we will try to prepare a formula. So let's start. So what we are trying to do, so electron will start at suppose n equal to 2 and it will come back to n equal to 1. That means it starts from n2 and it will come n1. Okay, and what I'm supposing that n2 has a higher energy than n1 and it is coming from n2 to n1. Okay, so थोड़ी देर पहले मैंने आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला दिया था. एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिया था? -2.18 इंटू 10^-18 1/n2, ये फॉर्मूला दिया था. ठीक है, तो n2 के लिए एनर्जी क्या होगा? (1/n2)2, ये n2 का एनर्जी होगा. n1 का एनर्जी क्या होगा? जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, n के जगह पे एक बार n1 डाल रहा हूं और n की जगह पे एक बार n2 डाल रहा हूं, बस इतना ही कर रहा हूं. ये n1 का एनर्जी होगा. अब जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 पे जंप करेगा तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1, जैसे हमने E5 माइनस E1 क्या था, यही होगा. अब इसको बिठा दो आप. ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, यहां तक आया. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको मैं हटा रहा हूं. अब यहां से मैं फिर आता हूं. अब ये 2.18 और 2.18 10^-18 ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं. अगर इसको मैं बाहर निकालूंगा तो 1/n1^-1/n2^2 होगा. ये होगा, ठीक है. सो फ्रेंड्स, दिस इज फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम चेंज इन एनर्जी. यही वो फॉर्मूला है जिससे हम एनर्जी चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में. यानी कि मान लो कि सिचुएशन ऐसा है कि फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आता है. ओके, तो हमें इस फॉर्मूला में क्या करना है, हमारा ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा. कहां से कहां आ रहा है? 5 से 1. तो -1/25, यू कैन कैलकुलेट इट. ठीक है, तो इस तरीके से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. और एक बार अगर आपने एनर्जी कैलकुलेट कर लिया तो E=hν वाला जो हमारा फॉर्मूला था मैक्स प्लैंक का, ठीक है, फिर आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना.
तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. ओके, अब इसमें मैं एक और फॉर्मूला आपको दूंगा. ये तो मैंने एनर्जी के टर्म में आपको एक फॉर्मूला डिड्यूस करके बताया, दिखा दिया मैंने आपको. ठीक है, इसके बोर्ड्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो भी हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे. ठीक है, बट एक और फॉर्मूला मैं इसी पार्ट से आपको देना चाहूँगा कि सपोज करो कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो क्वेश्चन आया है वो वेव नंबर के टर्म में आया है. तो वेव नंबर के टर्म में हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है. ठीक है, 1096 9677 1.09677 × 10⁻⁷ आई गेस, या इट्स 7 n1² - n2² पर सेंटीमीटर. और माइंड इट, इसमें पर सेंटीमीटर में है, पर मीटर. ये आंसर पर मीटर में है. अगर आप चाहो तो इसका बाद में यूनिट चेंज कर सकते हैं. यानी कि अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि भाई सिक्स्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट पे आया है इलेक्ट्रॉन, तो जो वेव निकल के बाहर आएगा उसका वेव नंबर निकालो. तो आप एनर्जी कैलकुलेट करोगे, एनर्जी से फिर hc/λ करोगे, hc/λ से 1/λ से आप म्यू बार निकालोगे. तो इतना नहीं करके अगर वेव नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली. ठीक है, डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद और भी कुछ कुछ फॉर्मूला है जो मैं चैप्टर के एंड में आपको दूंगा. वो मैं अभी आपको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बुक को पढ़ें, थोड़ा खुद से मेहनत कीजिए, फिर बाकी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी. नाउ बोर में एक और ख़ास बात यह है, या तो आप इसको बोर का लिमिटेशन बाद में देखेंगे कि बोर का लिमिटेशन भी है. एक्चुअली बोर जो है वो हाइड्रोजन लाइक, जो भी स्पीसीज हाइड्रोजन लाइक है, हाइड्रोजन लाइक यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, उन सारे स्पीसीज के लिए बोर्स थ्योरी जो है वो एप्लीकेबल है. ठीक है, जैसे लिथियम टू पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव एंड सो ऑन. यानी कि इन सब के लिए भी क्या होगा, बोर्स थ्योरी जो है वो वर्क करेगा बोर थ्योरी. लेकिन ध्यान देके देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन हीलियम का तो 2 है, बेरिलियम का क्या है 4 है, लिथियम का क्या है 3 है. तो इन सब का एटॉमिक नंबर तो अलग अलग है ना. तो एटॉमिक नंबर अलग होने से हमने जो अभी फॉर्मूला वगैरह पढ़ा, जो हमारा फॉर्मूला था बोर थ्योरी से रिलेटेड हाइड्रोजन के लिए, वो सारे फॉर्मूला में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? तो यस, कुछ चेंजेस आएंगे. ठीक है, कुछ चेंजेस आएंगे. तो Rn का फॉर्मूला जो है हमारा बन जाएगा 52.9 n² / z. यानी कि मान लो अगर हाइड्रोजन का रेडियस आपसे पूछ रहा है, हाइड्रोजन का nth रेडियस पूछ रहा है, तो जेड 1 हो जाएगा. अगर हीलियम का क्वेश्चन है तो जेड 2 हो जाएगा. अगर लिथियम का है तो 3, बेरिलियम का है तो 4 एंड सो ऑन. ठीक है, थोड़ा सा चेंज एनर्जी में भी होगा. ये z/n² हो जाएगा. ठीक है, और जेड जो है वो क्या है, एटॉमिक नंबर है. ठीक है, एटॉमिक नंबर है जेड, और z² / n² दिस शुड बी जेड स्क्वायर. सो z² /
एन स्क्वायर, यानी ये रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा जब हाइड्रोजन लाइक एनी अदर एटम के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी मान लीजिए हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, तो फार्मूला में जस्ट ये थोड़ा सा चेंज लाना है कि रेडियस में जेड से डिवाइड कर देना है और एनर्जी में ऊपर जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बाकी सारा चीज़ जो है हमने जैसा पढ़ा वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यही कंक्लूड करेंगे। हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस जो है बोर्ड से रिलेटेड कंप्लीट हुआ, इसके साथ जो बोर्ड थ्योरी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हम आगे आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए और सबसे ध्यान दीजिए कि जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं इन चैप्टर्स में लिख रहा हूँ बोर्ड पे, ये फॉर्मूला आपको हमेशा आपके टंग टिप होने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हैं। आपको फार्मूला जितना अच्छे से याद रहेगा आप उतने अच्छे से उसे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।